हाय गाइस, आज सबकी जान अदनान के घर में आज आया है आम। और ये बाप बेटे अचार के नाम से आया है वैसे तो ये गांव से, लेकिन ये बाप बेटा मतलब पापा और ये बेटा दोनों मिलके आम को खा रहे हैं। ऐसी कच्चा लग रहा है मेरे को, आम का अचार खाने नहीं मिलेगा। नहीं, अभी खा रहा था, उसका दांत खट्टा हो गया ना। अरे बाप रे, पूरा बाप, अरे तो पूरा खा लेगा, हम लोग के लिए अचार के लिए नहीं बचाएगा। पूरा लिया एक ठो काम, पूरा ही खा जाएगा लग रहा है लड़का तो। ए आधा खाओ, छोटा सा ले ले अदनान, पूरा मत खा बेटा, अचार बनेगा उसका। उसके पापा भी पूरा एक आम खा लिए, ये दूसरा आम है जिसको बेटा खा रहा है। लग रहा है मेरा आम नहीं बचेगा, देख रहे हो इतना कम बचा है। मेरा प्यारा आम, मुझको बहुत पसंद है आम और इमली, वैसी अदनान को भी पसंद है आम और इमली। ये गांव का आम है, घर में उगा वाला, मेरी नानी के घर से आया है ये आम, अदनान की पर नानी के घर से। और ये आम के साथ खेल रहा है, पता नहीं आज मेरा आम बचेगा कि नहीं। चलो इसको मार्केट से कटवा के लाते हैं, चलते हैं मार्केट आम लेके और वहाँ से कटवा के लाएंगे, ताकि कल बनाएंगे इसका अचार। अब हम लोग घर में अगर काटेंगे तो ये पूरा फट जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। हम लोग को नहीं आता ना, जो चीज़ से काटते हैं वो चीज़ नहीं है हमारे घर काटने वाला, और हम लोग को आएगा भी नहीं काटने, इसीलिए इसको लेके चलते हैं अदनान के साथ। ना अदनान, मार्केट चलते हैं लेके आम और कटवा के लाते हैं इसको, फिर कल हम लोग बनाएंगे आम का अचार, खट्टे खट्टे आम का अचार। ना तो फिर मेरा अदनान भी आम खाएगा, अचार खाएगा, पहली बार अचार खिलाऊंगी इसको, वो भी अपने हाथ का। पता नहीं स्वाद कैसा लगेगा, पहली बार अचार डालूंगी मैं। अचार का तो पता नहीं, लेकिन बाबू मेरे को लग रहा है ये इसको बॉल समझ के खेल रहा है, देख रहे हो आप लोग, पैर से करके इसको बॉल समझ रहे लग रहा है, और ये बॉल समझ के इतना खेल रहा है उसके साथ। बाबू तेरे दोनों हाथ में नहीं आएगा बेटा, वो आम इतना बड़ा है, वैसे सही में आम इतना बड़ा बड़ा है कि मेरे छोटे से बाबू के दोनों हाथ में नहीं आ रहा है ना। बेटू चाकू मत दो उसके हाथ में, काट लेगा वो, पता नहीं क्या करेगा आम का। हाँ दादी आ, यहाँ पे आ जा। गाइज आप लोग देख रहे हो, पुलाव खाने के लिए इसको इतना जल्दी हो गया है कि सबर नहीं कर रहा है, देख रहे हो जहाँ रखा है वहाँ पे आ गया। बेटा गरम है अदनान, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ एक दादी अपने घर में बनाई थी पुलाव और चिकन, तो लेके आई अदनान के लिए, और अदनान को इतना भूख लग रहा था कि वो जब बस देखा और उसको खुशबू आया उसके नाक में, तो खड़े खड़े ही प्लेट खींचने लग गया। तो मेरे को जल्दी से उसको खिलाना पड़ेगा, वो जितना खाना चाहता है, उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। रात का बजने वाला है 8, लेकिन मैं आम कटवा के लाऊंगी, उसके बाद मेरे को कल सुखाना भी है उसको हल्का सा। अगर सुखाओगे नहीं, गीला में ही अचार डाल दोगे ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। हल्का सा उसको सुखाना चाहिए, फिर अचार डालना चाहिए। अदनान चावल नहीं गिराते बेटा, नीचे नहीं गिराते, ठीक से खाते हैं। हाँ चावल नहीं गिराते ना। अब अदनान को करने देते हैं इसके साथ में मस्ती, क्योंकि वो मस्ती कर करके ही खाता है, और मैं उसको नहीं रोकती, वो गिराए या कुछ भी करे बस पेट भर के खा ले। देख रहे हो आप लोग कैसे खा रहा है पुलाव, उसको पुलाव चिकन फ्राई चावल ये सब ज़्यादा पसंद आता है, मतलब फ्राई चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है। चिकन और पुलाव के साथ में दादी दिए मैं हम लोगों को सेवई, शायद इसमें सेवई भी डला है, और
चावल भी डला है, ये खीर है, ये वो बनाए हैं आज इसलिए क्योंकि आज उनके बेटे का ना मतलब बरसी है, उनको 2 साल हो गया ख़त्म हुए। तो हमारे में क्या होता है, जब जिस दिन ख़त्म होते हैं उस दिन कुछ भी उनके पसंद का बनता है और उसका फातिया करवा के गरीब बच्चे या अनाथ बच्चे जहाँ यतीम खाना होता है वहाँ उन लोगों को दिला खिला देते हैं और आस पड़ोसी लोगों के घर में बांट देते हैं, जैसे जिसका जितना हिम्मत करवाने का वो उतना करवाता है। अब अदनान को पुलाव के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है, देख रहे हो, वो भी खाऊंगा बोल रहा है। मत खा बेटा, पहले पुलाव खा ले, पुलाव खा ले अदनान, खाएगा खीर खाएगा, चल मैं खिला रही हूँ, मैं अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी तेरे को, गरम होगा, गरम सूप, देख रहे हो सबर नहीं कर रहे हो, इतना जल्दी हो गया खाने का उसको, ले खा ले, ले गरम लगा ना, क्या करूँ सबर तो कर नहीं रहा है, पसीना भी आ गया इसको। कूलर बंद कर दी थी ताकि वीडियो में आवाज़ अच्छे से आ सके, पर बच्चे के लिए आवाज़ आए या ना आए पंखा तो ज़रूरी है। अब हम लोग इसको मजाक करने देते हैं खाना के साथ, खाने के बाद में वीडियो डालते हैं, तब तक कि आप लोग भी कुछ ना कुछ खाते रहो पीते रहो। अदनान और उसके पापा का तो चिकन पार्टी चालू है, चिकन पुलाव का पार्टी और खीर पार्टी। खीर सही में बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है खीर, बहुत ज़्यादा स्वाद है। अब बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग के हाथ से बना है, स्वाद तो रहेगा ही, और उसमें एक माँ का प्यार भी है जो अपने बेटे को याद करके उसके पसंद का, उसके दुनिया से जाने के बाद में भी माँ का प्यार कितना रहता है कि वो हर साल अपने बेटे के पसंद का चीज़ बना के उसको उसके तक पहुँच सके ये सोच के फातिया करवाती है। माँ का दिल सही में बड़ा होता है, जैसे कि मेरा। नादनान तो बड़ा हो के मेरे को याद करना, मैं मर भी जाऊँगी तो भी मेरे को याद करना, करेगा ना, करेगा मेरा बेटा, मेरे को पता है। नहीं खाऊंगा बोल रहा है, पानी पिएगा, पानी दे दो उसको, मैं देती हूँ अदनान को पानी, रुक। अदनान पिया पानी, उसके बाद में वो खीर में सीधा आके भीड़ गया खाने के लिए, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, पूरा एक चम्मच खाऊंगा मैं तो, ये बोल रहे हैं वो। देख खिला देता बेटा, खिला देता खिला देता। अरे बाप रे, खांसी आ गया। अदनान मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा देना बेटा ना, चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं बचेगा लेकिन दोनों पापा और बेटा पेट भर के खा ले। हाँ। हमारे लिए तो खाना बना ही है वैसे भी, देख रहे हो, पापा भी तो मेरे को नहीं पूछेंगे, मेरे को पता है, बेटे को ही खिला रहे हैं और बेटे की मम्मी को। थैंक यू बोला दो, थैंक यू पापा, मम्मी को भी खिलाए, थैंक यू बोल दे। खा ले बेटू, खा ले अच्छे से खा ले। अदनान कभी भी मन नहीं भरा है खीर खा के, देख रहे हो आप लोग कितना खीर खा रहा है वो। बाबू हाँ खिला रही बेटा, खिला रही हूँ, उधर से चावल भी चाहिए उसको, उधर से खीर भी चाहिए, दोनों चाहिए, देख रहे हैं आप लोग। कौन सा बच्चा 1.5 साल की उम्र में सब चीज़ खाता होगा पता नहीं, ये ना 8 महीने का था तब से दाल चावल सब्जी तीखा सब्जी भी खाता है 8 महीने का बच्चा होके, ऐसे लगता है कि ये दूसरे दुनिया से आया एलियन है क्या अदनान तो। अरे बाप रे, गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ खीर हो गया ख़त्म, लेकिन अभी मेरे बेटे का मन नहीं भर रहा है खीर खा के, वो अभी भी खीर खाना चाहता है। अब कुछ बोल रहा है, मेरे को डांट रहा है वो कि मैं उसको खीर नहीं खिला रही हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ ना
तो बोल रहा है मेरे को खिलाओ, बात मत करो। नादनान हम लोग का बात चल रहा था आम के लिए, लेकिन मेरे बेटे के कारण मेरे को खीर और पुलाव में आना पड़ गया। लेकिन चलते हैं अभी मार्केट और आम कटवा के लाते हैं। हो सकेगा तो मैं मार्केट का भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हमारा भिलाई का पावर हाउस का मार्केट कैसा है, कितना बड़ा है, वो तो नहीं दिखा सकती। बस अभी तुरंत जाएंगे, आम बस कटवाएंगे और तुरंत आएंगे, क्योंकि रात बहुत हो गया, 8:30 होने वाला है ना। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को बस भिलाई के पावर हाउस का मार्केट ही एक दिन घुमाने के लिए लेके चलूँगी, और उसमें आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि भिलाई में कहाँ पे ज्वेलर्स दुकान है, सोना चांदी का दुकान कहाँ पे है, सब्जी का दुकान कहाँ है, कपड़े का दुकान कहाँ है। यहाँ आपको हर जगह हर चीज़ का दुकान अलग अलग मिल जाएगा। वैसे तो हर जगह मिलता है, लेकिन हमारे भिलाई का, हम लोग जैसे भिलाई में रहते हैं तो हम लोग को अपने ही शहर का ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा अच्छा है। तो अभी चलते हैं हम लोग मार्केट आम लेके। बाय बाय, तब तक ले बाय बाय। देख रहा आप लोगों को अदनान के पापा बाय बाय बोल रहे हैं। अदनान बाय बाय नहीं बोलना चाहता, गंदा लड़का है, पैर दिखा रहा है। खीर खत्म हो गया बेटा, नहीं है खीर, मैं तेरे लिए अलग से कभी बना दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है बेटी, नहीं बचा खीर, मीठा ज़्यादा नहीं खाते अदनान। चलो बाय बोल दो, बाय बोल दो, सबको बाय बोल दो। सॉरी गाइस, आज उसका मन नहीं है बाय बोलने का, तो मैं ही आप लोगों को बोलती हूँ बाय बाय। मिलते हैं अगले अगले व्लॉग में।